दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ खुशी की लाइफ। और आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसे कि अनलॉक 2 स्टार्ट हो चुका है तो बहुत सी चीज़ें खुल चुकी है, बट बाहर निकलिए, बस सावधानी के साथ ही बाहर निकलिए और अपना ख्याल रखिए और गर्मी में भी सुरक्षित रखिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए और आप खुश रहिए। सो आज मैं फिर एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मुझे आईलाइनर लगाने में दिक्कत आती है, तो कुछ ऐसा आसान तरीका बताइए कि आईलाइनर अच्छे से और झटपट लग जाए। सो आज मैं ऐसे कुछ ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आपका आईलाइनर बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा और आपको दिक्कतें भी नहीं आएंगी। सो बहुत से लड़कियों को शौक होता है, इवन मुझे लगता है 99% लड़कियों को शौक होता है आईलाइनर लगाने का, बट सम ऑफ केसेस वो लाइनर फैल जाता है या हाथों में लग जाता है तो ईजिली अप्लाई नहीं हो पाता है आपके आईज़ में। सो मैं आज को ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी कि आप ईज़िली उसे अप्लाई कर लेंगे अपने आईज़ में और आपको दिक्कतें भी नहीं होंगी और बहुत ज़्यादा मैसी भी नहीं होगा, क्योंकि मैसी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ ही ऐसे ही होता था, जब भी मैं आईलाइनर अप्लाई करती थी आईज़ पे तो बहुत ही मैसीनेस हो जाती थी, कभी आईज किंचे लग जाता था, कभी ऊपर लग जाता था, कभी हाथों में लग जाता था। तो जब भी मुझे बहुत जल्दी होती थी मैं आईलाइनर लगा नहीं पाती थी, बट अब मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आप विद इन 2 मिनट्स या 3-4 मिनट्स में अपना आईलाइनर अप्लाई कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का आईलाइनर, ये है इंस्टा लाइनर, वाटर रेजिस्टेंट आईलाइनर है ये, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है और इसकी जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप ये वाला आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे आपको कोई और यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसका आपको भी यूज़ करके दिखाऊंगी। तो अगर आपको ये आईलाइनर चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं और ये किसी भी साइट में इजीली अवेलेबल हो जाता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ही रिजनेबल रेट में है, तो आप इजीली से परचेस कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई किया है, वो वीडियो शूट नहीं हो पाई तो मैं आपको अभी दूसरी आँख में इसी तरह अप्लाई करके बताती हूँ कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। सो अब देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे 3 लाइंस खींच लेंगे, सबसे बड़ी लाइन, उससे छोटी लाइन, उससे फिर सबसे छोटी लाइन। तो हमें 3 लाइंस खींचनी है ताकि हम इजीली आईलाइनर को अप्लाई कर सकें अपने आईज़ में। अगर आप ऐसे लगाते हैं तो आपका शेप नहीं बन पाता है और आपको एक सही शेप नहीं मिल पाती है और आपका आईलाइनर ईजिली अप्लाई नहीं हो पाता है। तो मैं आपको इतना ऐसा ईजी तरीका बताऊँगी जिससे आप ईजिली अपने आईलाइनर को अच्छे से शेप दे सकते हैं। तो देखिए आप कैसे मैं इसको शेप देती हूँ, जस्ट लाइक ऐसे ही आपका आईलाइनर शो करेगा। ये हो गया था, वीडियो शूट गई थी, बट मैं इस पर अप्लाई करके आपको दोबारा दिखाती हूँ। सो मैं इस मिरर की हेल्प से लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है, सो मैं इसकी हेल्प से लगा रही हूँ। सो सबसे पहले हम यहाँ पे सबसे बड़ी लाइन यहाँ पे खींचेंगे कॉर्नर में, देन मिडल में उससे छोटी और सबसे यहाँ पे हम उससे छोटी लाइन खींचेंगे। सो ये देखिए, सबसे बड़ी लाइन मैं यहाँ खींचूँगी इधर पे, उससे छोटी मैं यहाँ खींचूँगी, उससे छोटी मैं यहाँ खींचूँगी। तो आपकी 3 लाइन्स खींच चुकी हैं। अब इन्हें मैं मैच एक सर्कल में लेके आ जाऊँगी। सो लाइक दिस आपको ऐसे करना है, तीनों लाइन्स को आपको मिला लेना है। सो देखिए, यहाँ पे भी आईलाइनर अप्लाई हो चुका है। सो इस तरह से आप 3 लाइंस करके और उसे आपको तीनों लाइंस को आपस में मैच करना है तो आपका लाइनर इस तरह से कुछ अप्लाई हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा और आपका एक सर्कल एक शेप में आएगा आईलाइनर। तो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल आईलाइनर शेप है। बट मैं आपको एक दो तरीके और दिखाती हूँ जो गर्ल्स मोस्टली आजकल लगा रही हैं, उससे आपका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। सो मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ अपने आईज़ पे। तो बिल्कुल ये नॉर्मल शेप है जो आप जिनको नहीं आता है पहले उससे स्टार्ट करें तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इससे भी। आप चाहे तो इसे थोड़ा थिक भी लगा सकते हैं, अपने क्रीज तक लेके जा सकते हैं, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा दूसरे वे में अप्लाई करके दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे आपका ना स्टॉप हो गया है, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है अपने आइस पे, लाइक अपर डायरेक्शन में, लाइक दिस। मैं आपको दिखाती हूँ, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक यहाँ से आपके आइस के कॉर्नर से ऊपर की तरफ। लाइक दिस, और आपको इससे मैच कर लेना है इस कॉर्नर को, यहाँ पे आपको बिल्कुल ट्राइंगल शेप में मैच करना है लाइक दिस। लाइक दिस आपको ऐसे मैच करना है और आपको इसे ओवर यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। सो देखिए ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा, तो आप दूसरी आईज में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। मैं ऐसे थोड़ा और डार्किश अप्लाई करती हूँ। देखिए लाइक दिस आप इस आइस पे भी लाइक ऐसे ही अप्लाई कर लीजिए। तो ये मेरा, अब मैं आपको एक आइस पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप इस तरीके से आप अपने आइस पे अप्लाई कर सकते हैं लेनर को। ये देखिए ये हो गया है। अब मैं आपको थर्ड वे दिखाती हूँ कि आपको थर्ड आई लाइनर कैसे अप्लाई करना है। वो बहुत ही ईजी है, बस आपको एक करना है जो कि आज बहुत गर्ल्स अप्लाई कर रही है अपने आईज पे। तो आपको ये बस ये जो आपकी लाइनिंग है इसके जस्ट नीचे सेम ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। देखिए लाइक दिस, ये देखिए तो आपकी आईज बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही है। तो अब यहाँ अपनी लोअर सेक्शन में भी अप्लाई कर लीजिए आईलाइनर को बहुत हल्के वे में। तो ये हो चुका है, टू वे से अप्लाई कर लिया हमने आईलाइनर। अब मैं दिखाती हूँ आपको थर्ड वे, तो मैं इस आईज़ पे अप्लाई करूँगी। मैंने आपको थ्री वेज दिखा दिए आप अप्लाई करने के, आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत मोस्टली गर्ल आजकल ऐसे ही अप्लाई कर रही है, तो थर्ड वे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे अप्लाई करना है। इस जो आपको दिखा रही हूँ उससे आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगेगी, तो आप अगर इनकी आईज़ छोटी है तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं इस तरह का आईलाइनर। तो आपको क्या करना है, जो आपकी यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ से आपको अपनी इसको इस कॉर्नर में लेके जाना है अपर डायरेक्शन में लाइक दिस, और यहाँ से इसे मैच करना है। इसमें क्लियर दिख नहीं रहा, इस तरीके से ये हो गया। इसे थोड़ा आपको और ब्रॉड करना है, मुझे इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा, मैं इसमें मिरर में देख के आपको बताती हूँ। Thank you.
तरीके से आप ब्रॉड भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, तो गाइस मैंने आपको आज पूरे टोटल 4 वेज से बताया कि आप आईलाइनर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 वेज बताया है, यहाँ पे आपको 1 वे बताया है। तो आप इस तरीके से इजीली आप अपने आईलाइनर को अप्लाई कीजिए अपने आईज पे, क्योंकि इससे आपकी आईज बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो यहाँ मेरे भी आईज पे अप्लाई नहीं है, यहाँ पे कर लेती हूँ वरना बहुत अजीब लग रहा है। सो दोस्तों, ये अप्लाई हो चुका है इस पर, और आप भी इस तरह से अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपने ऐसे अप्लाई किया है कि नहीं, और मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। तो ये लैक्मे का आना था, काफ़ी अच्छा है इसका, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है, कितना पिगमेंटेड है ये। तो इसे आप बाय कीजिए, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, और मुझे बताइएगा कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा।